ऐसे बहुत से खूबसूरत पौधे होते हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए बहुत ही कम मिट्टी की ज़रूरत होती है, यानी ऐसे पौधे जिन्हें आप किसी भी कबाड़ में, प्लास्टिक की बोतलों में, टूटे कप में या छोटी छोटी मटकियों में बहुत ही कम मिट्टी डालकर ग्रो कर सकते हैं। अगर घर में कम जगह है या इवन कि आप बिगनर्स भी हैं और ज़ीरो बजट गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो आप भी इसी तरह से घर में वेस्ट में पौधों को उगा सकते हैं। जितने भी पौधे शेयर करूँगी सब बहुत ही हार्डी प्लांट्स हैं, सस्ते और टिकाऊ प्लांट्स हैं जो वेस्ट में भी सालों साल चलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी ऐसे पौधे जो मिट्टी के संपर्क में आने से ही या फिर कम मिट्टी में भी बहुत ही तेजी से फैलते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरा एक चाय का कप था जो चिप अप हो गया हुआ था। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसमें मैंने पर्पल हार्ट प्लांट की कुछ कटिंग्स डाल दी थी और ये मोस्ट हार्डी प्लांट होता है। छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो भी हो जाता है, बहुत ही अच्छी से ये पौधे की ग्रोथ जो है वो छोटे से कप में चल रही है। आप देख सकते हैं कि छोटे से कप में 2 से 3 इंच की स्पेस रही होगी, बहुत ही कम मिट्टी में ये पौधे जो हैं वो ग्रो हो रहे हैं। तो इस तरह के पौधे आप चूज़ कर सकते हैं जिनकी हाइट जो है वो छोटी रहती है, फैलते वो तेज़ी से बट हाइट छोटी रहती है, तो इस तरह के प्लांट आप चूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी मेरा एक आयल कंटेनर था जिसे मैंने पीकॉक DIY बना दिया। इसमें भी मैंने पर्पल हार्ट प्लांट की कटिंग्स डाल दी थी। देखिए कितने अच्छे से इनकी ग्रोथ भी चल रही है और ये इसमें वाइट और पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं कि अगर आप ज़ीरो बजट गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप कटिंग से पौधे भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग लगाने के लिए आप कबाड़ का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को मैंने हाफ कट करके नीचे मैंने ड्रेनेज का होल बना दिया था और उसमें थोड़ी सी मिट्टी भर के मैंने बॉलविन ट्यूब प्लांट का कुछ छोटा सा एक बंच मैंने मिट्टी के ऊपर एज इट इज़ रख दिया था। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कितनी अच्छी सी ग्रोथ जो है वो चल रही है। और इन छोटे छोटे प्लांटर्स में समटाइम मैं पानी देना भी भूल जाती हूँ, लेकिन देखिए पौधे कितने हरे भरे भी लग रहे हैं। तो इस तरह के पौधे आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो बॉलविन ट्यूब प्लांट होता है इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं, सतह मिट्टी की सतह के ऊपर ऊपर रहती हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे वेस्ट में ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी करते हैं, सुंदर भी लगते हैं। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, ये पौधे भी आप कबाड़ में, प्लास्टिक की बोतलों में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरे घर में एक लिक्विड डिटर्जेंट की बोतल जो थी वो खाली हो गई थी, जिसे मैंने इस शेप में कट करके नीचे एक ड्रेनेज होल जो है वो बना दिया था और इसमें थोड़ी सी मिट्टी भर के मैंने स्वीट पोटैटो वाइन की कुछ कटिंग्स लगा दी थी और कॉम्बिनेशन में लगे हुए पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरह की बॉटल्स अगर आपके घरों में रहती हैं तो उनका यूज़ भी आप गार्डनिंग में पौधों को ग्रो करने में जो है वो कर सकते हैं। तो स्वीट पोटैटो वाइन भी एक आइडियल प्लांट होता है, इनको भी बड़े बड़े प्लांटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप वेस्ट में भी आप इन पौधों को छोटी छोटी कटिंग द्वारा ग्रो कर सकते हैं। इन वेस्ट में इनकी जो ब्रांचेस ट्रेल करती हैं तो कबाड़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और उनमें लगे हुए पौधे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इन वेस्ट को आप चाहे तो हैंग भी कर सकते हैं, चाहे किसी भी दीवार पर कील के सहारे अटैच भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर हम जब घरों को पेंट वगैरह करवाते हैं तो घरों में बहुत सारा पेंट का डब्बा जो है बाद में खाली भी हो जाता है, तो उसका यूज़ भी आप गार्डनिंग में पौधों को ग्रो करने में कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी मेरे घर में कुछ डब्बे पेंट के रह गए थे तो उसका भी मैंने देखिए कितना सुंदर सा DIY बनाया हुआ है और इसका DIY भी मैंने आप सब फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर भी करा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें थोड़ी सी मिट्टी भर के मैंने चेन प्लांट की एक दो कटिंग्स जो है वो लगा दी थी और ये देखिए काफ़ी टाइम से ये पौधे जो है इसी वेस्ट में ग्रो हो रहे हैं और पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। बस मैं इसमें डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा वाटर जो है वो मैं डाल देती हूँ। तो ये पौधे भी आप आसानी से छोटी छोटी कटिंग द्वारा किसी भी वेस्ट में या टूटे हुए कप में ग्रो कर सकते हैं। तो ये पौधे सालों साल चलते रहते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं। पर ये देख सकते हैं, ये छोटी सी मटकी होती है, जैसे कि हम फास्ट वगैरह में बहुत सारी इस तरह की मटकियों का यूज़ करते हैं, फास्ट के बाद ये मटकियाँ इसी तरह से वेस्ट रखी रह जाती हैं। तो इनमें आप थोड़ी सी मट्टी डाल के कोई भी पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये भी एक मटकी रखी हुई थी घर में वेस्ट, इसमें मैंने थोड़ी सी मट्टी डाली और उसमें मैंने सिंगोनियम प्लांट्स की कटिंग लगा दी है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। सिंगोनियम प्लांट बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, जिसको ग्रो करने के लिए बहुत बड़े बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप किसी भी वेस्ट में थोड़ी सी मट्टी डाल दीजिए और इनकी कटिंग को लगा दीजिए, ये पौधे बहुत ही तेजी से ग्रो हो जाते हैं।
फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घरों में जब नवरात्रि की पूजा रहती है तो हम इस तरह के मिट्टी के जो बर्तन हैं वो शाखा को बीजने में करते हैं, और नवरात्रि के बाद ये मिट्टी के बर्तन भी इसी तरह से वेस्ट रखे रह जाते हैं। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसी तरह के एक बर्तन में मैंने थोड़ी सी मिट्टी भर के इसमें मैंने सीडम ग्रास जो है ऊपर से इस तरह से रख दी थी। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कितने अच्छे से सीडम ग्रास की ग्रोथ भी चल रही है, और इन पौधों को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। बहुत आप जैसे कि देख ही सकते हैं, थोड़ी सी ही मिट्टी मैंने इसमें भरी है और बहुत ही तेज़ी ये पौधे फैलते भी चले जाते हैं। सकुलेंट टाइप के ये प्लांट होते हैं, इनको बड़े ज़्यादा वाटर की भी नेसेसिटी नहीं होती है। बस मैंने इनको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखा हुआ है जहाँ पर इन पौधों की ओवरऑल जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती रहती है। तो इस तरह की मिट्टी के बर्तनों का भी यूज़ आप गार्डनिंग में पौधों को ग्रो करने में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है पेनीवॉर्ट प्लांट जो लगा हुआ है एक ब्लैक कलर के फूड कंटेनर में, जिसके नीचे मैंने होल बिल्कुल नहीं बनाया हुआ, क्योंकि जो पेनीवॉर्ट प्लांट होता है इन्हें वाटर काफ़ी पसंद रहता है, और जहाँ पर सोगी मिट्टी होती है या मार्शी लैंड्स में इन पौधों की ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से चलती है। दैट्स वाई मैंने इस फूड कंटेनर में होल नहीं बनाया, बस थोड़ी सी मिट्टी मैंने भर दी थी और कुछ पेनीवॉर्ट प्लांट की कुछ जड़ें इस वाले वेस्ट में मैंने डाल दी थी और पानी भर दिया था। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छे से जो है वो चल रही है, और इसे मैंने थोड़ा सा अपनी छत के ऊपर ही ग्रीन नेट के नीचे दूसरे गमलों के साइड्स पर जो है वो रखा हुआ है। तो आप इन पौधों को भी इस तरह के फूड कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं और उनमें होल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इस पेंट के डब्बे को देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये पेंट का डब्बा कितना पुराना हो सकता है, जिसे मैंने अपने घर की छत की वॉल पे कील के सहारे इस तरह से अटैच करा हुआ है, और काफ़ी पुराना ये पेंट का डब्बा है। और मैं कभी कभार इसमें पौधों की कटिंग जो है वो लगा देती हूँ, और जब भी मैं इन वेस्ट में मिट्टी भरती हूँ तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सॉफ्ट पॉटिंग मिक्स जो बनाऊँ, और इसमें ये लगा हुआ ड्रेसिना प्लांट बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है, और इन डब्बों में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है, और इसमें थोड़ी सी शेड भी आ जाती है, और गर्मियों में मैं डेली बेसिस में इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर भी डाल देती हूँ। तो ओवरऑल इन पौधों की जो ग्रोथ है इन पेंट के डब्बों में बहुत अच्छे से चल रही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी मेरा एक अनदर DIY है, और इसमें मैंने कुछ बोट लिली प्लांट की कुछ कटिंग्स डाल दी थी, और इसके बैक साइड में आप ये देख सकते हैं इसमें मैंने डेविल बैकबोन की भी एक दो कटिंग्स डाल दी थी। ये भी बहुत ही खूबसूरती के साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी में आप छोटे छोटे पॉट में इनके पौधे जो है वो लगा सकते हैं। एक तो ये पौधे बहुत ही मिनिमम प्राइस में भी मिल जाते हैं, कहीं से कटिंग भी मिल जाए तो आप इनको इन छोटे छोटे वेस्ट में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं और बहुत ही लो लाइट एरिया में ये ग्रो होने वाले पौधे हैं, यानी कि हल्की सी ब्राइट लाइट भी इन पौधों को दिखा दो ये पौधे बहुत ही तेजी से फैलते चले जाते हैं, और इनको आप थ्रू कटिंग से मोर आप इनके प्लांट जो है वो बना सकते हैं। फ्रेंड्स, छोटे छोटे पॉट में और बहुत ही कम मिट्टी में आप बेबी डियर प्लांट्स की कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, ये एक प्लास्टिक घी वाली मटकी होती है जो अक्सर सबके घरों में वेस्ट रखी रहती है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा रेड कलर का पेंट वगैरह कर दिया जो देखने में भी ठीक ठाक ही लग रहा है, तो इसमें मैंने बेबी डियर प्लांट की कटिंग्स को डाल दिया है। तो इसी तरह में तरह से आपके घरों में भी इस तरह के बहुत सारा कबाड़ और बहुत सारा वेस्ट निकलता रहता है, जिसे आप रीयूज़ कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को सेव करने में अपना कंट्री दे सकते हैं, पौधे उगा सकते हैं, जीरो बजट में गार्डनिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर किचन में काम करते दौरान बहुत से चाय के कप जो हैं वो टूट फूट जाते हैं, तो ऐसे में उनको डस्टबिन में फेंकने के बजाय उनका भी रीयूज़ हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस टूटे हुए कप में मैंने होरथिया प्लांट्स जो है वो एक छोटा सा बेबी प्लांट्स मैंने इसमें लगा दिया हुआ है। तो इस तरह के सकुलेंट्स भी आप इन छोटे छोटे क्यूट से कप में लगा सकते हैं, और इनमें इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती है। बस वीक में आप एक बार इनको स्प्रे से इनको वाटर जो है वो कर सकते हैं, तो ये भी आप छोटे छोटे क्यूट से कप में ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपने जब घरों में पेंट वगैरह कराते हैं उस दौरान भी बहुत सारे खाली पेंट के डब्बे जो है ना वो बच जाते हैं, तो उन्हें भी फेंकने के बजाय उनमें भी आप थोड़ा सा होल वगैरह करके थोड़ी मिट्टी डाल के बहुत से पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी एक वेस्ट में डब्बा रखा हुआ था जिसे मैंने ऐसे ही रेड कलर का पेंट जो है बाहर से मैंने कर दिया, और उसमें मैंने जेड प्लांट की कुछ कटिंग्स जो है वो डाल दी हैं। तो जेड प्लांट की कटिंग्स भी आप छोटे छोटे पॉट में छोटे छोटे वेस्ट में थोड़ी सी मिट्टी डालकर भी ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो जाते हैं, आउटडोर इनडोर दोनों ही जगह आप इसे ग्रो कर सकते हैं, और ये पौधे डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप स्टाइल भी कर सकते हैं। ये एक सकुलेंट टाइप के प्लांट होते हैं जिन्हें वाटर की नेसेसिटी भी कम रहती है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरा एक अनदर लिक्विड डिटर्जेंट का DIY है। अगर आप इनके ध्यान से देखें फ्रेंड्स, तो सिर्फ 2 से 2.5 इंच के स्पेस में मैंने थोड़ी सी मट्टी डालकर इसमें स्पाइडर प्लांट को लगा दिया और जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। अगर इसी तरह की बॉटल्स अगर डिटर्जेंट की आपके घरों में आती है तो उसको भी आप कट करके इनमें स्पाइडर प्लांट्स या कोई भी अनदर प्लांट्स कोई कटिंग को आप लगा सकते हैं। ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये एक बेस्ट इनडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, जिन्हें आप छोटे छोटे पॉट में वेस्ट में फिनाइल की बॉटल्स या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को कट करके हल्का पेंट लगा सकते हैं। ये पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये इसकी वेरीगेटेड वेरायटी है एंड ये जो वेरायटी देख रहे हैं इसकी ग्रीन वाली वेरायटी है। कोई भी वेरायटी के पौधे आप छोटे छोटे जो होते हैं वो छोटे छोटे वेस्ट में आप लगाकर इन्हें सालों साल इन अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स कम मिट्टी में और छोटे छोटे वेस्ट में छोटी छोटी मटकियों में ग्रो करने के लिए आप टर्टल वाइन प्लांट को भी जरूर लगाएं। ये भी सक्कुलेंट टाइप का प्लांट होता है जिसके अगर कुछ ब्रांचेस को कट करके एज इट इज मिट्टी के ऊपर फैला देंगे तो फ्रेंड्स ये पौधे बहुत ही तेजी से फैलते चले जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक वेस्ट में मैंने कुछ ब्रांचेस इसकी डिस्कार्ड मैंने कर दी थी। ह्यूमिडिटी की वजह से ये पौधे इतनी तेजी से फैल रहे थे और ये देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छे से चल रही है। हालांकि इसमें मैंने मिट्टी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करा हुआ है, सिर्फ मैंने वेस्ट ब्रांचेस को ही इस वाले वेस्ट में मैंने रख दिया था। तो ये पौधे भी इस टाइम पर बहुत ही तेजी से फैलते हैं। छोटे छोटे वेस्ट में ये पौधे बहुत अच्छी सी ग्रोथ करते हैं। ये देखिए ये एक टूटा हुआ पॉट था जिसमें कुछ जड़ें शायद इसमें रह चुकी थी टर्टल वाइन की, तो ये देखिए बारिशों की वजह से ये भी अपने आप फैल चुकी हुई है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मैंने एक दीवार में बहुत सारे इस तरह की प्लास्टिक की बोतलों में बहुत सारे पौधे जो हैं वो मैंने ग्रो करे हुए हैं। और ये देखिए ये एक फिनाइल की बोतल है जिसमें मैंने ग्रीन वाले मनी प्लांट की कुछ कटिंग्स डाल दी थी। अक्सर मैं मनी प्लांट हर जगह ग्रो करती हूँ, बड़े पॉट में मॉस्टिक के साथ भी लगाती हूँ, लेकिन ये पौधे बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं छोटे छोटे वेस्ट में ग्रो करने के लिए। और ये देखिए ये भी मेरा एक अनदर DIY है, बड़ा क्यूट सा, और इसमें मैंने ग्रीन वाले मनी प्लांट की कुछ कटिंग डाली थी। अब आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं, बरसात में ये पौधे बहुत ही तेजी से फैलते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपके घर में कम जगह है तो इस तरह से जीरो बजट की गार्डनिंग आप कर सकते हैं। घर में रखे वेस्ट में भी पौधों को कटिंग द्वारा ग्रो करके अपने घर में ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी मेरा एक अनदर पीकॉक DIY है। इसे भी मैंने डिटर्जेंट की बॉटल्स को कट करके मैंने बनाया हुआ है। तो ये इसमें मैंने लगा दिया वंडरिंग जीव भी बहुत आइडियल प्लांट है जो बहुत ही कम मिट्टी में और थोड़ी से छोटे से किसी भी वेस्ट में ग्रो हो जाता है। इसकी कुछ कटिंग्स किसी भी वेस्ट में डाल दीजिए, ये पौधे बहुत ही जल्दी 3 से 4 दिन में इनकी जड़ें जो हैं बन जाते हैं। बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं, किसी भी पॉट में लगाएं या आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं, वेस्ट में ग्रो करें। ये पौधे बरसात में तो बहुत तेज़ी से फैलते हैं, इनकी ब्रांचेस ट्रेल करती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो आप भी इसी तरह से घर में छोटे छोटे DIYs क्रिएट कर सकते हैं और इनमें इस तरह से वंडरिंग जो लगा सकते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, जो मिनिमम प्राइस में भी आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरे गार्डन के बीचों बीच एक पाइप है जिसमें मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल को कट करके यहाँ पर अटैच कर दिया हुआ है और इसमें मैंने लगा दी है मॉस रोज की कुछ कटिंग्स। मॉस रोज भी एक बहुत ही खूबसूरत समर का बहुत ही हार्डी सकुलेंट टाइप का फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ना स्पेस की ज़रूरत होती है ना बड़े बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। बड़े ही कम मिट्टी में इनकी अगर छोटी छोटी टिप की कटिंग भी डाल देंगे तो ये पौधे बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं, बहुत ही हैवी फ्लावरिंग जो है वो भी करते हैं। तो इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ है जिन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। और ये इसकी मिलती जुलती एक और वेराइटी है जिसे पर्सलेन कहा जाता है। तो ये पौधे भी वेस्ट में ग्रो होने के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट है और समर में ये बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सारे वेस्ट में मैंने कोलियस प्लांट्स की कुछ कटिंग्स वगैरह जो हैं वो ग्रो करी हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जिसे आप छोटे छोटे वेस्ट में थोड़ी सी मट्टी डालकर इनके छोटे छोटे पौधों को ग्रो कर सकते हैं, इनकी कटिंग को लगा सकते हैं। और ये पौधे के छोटे छोटे कटिंग्स जो हैं बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं। ये देखिए एक फिनाइल की बॉटल में कोलियस प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है बेबी सनरोज का प्लांट। और बेबी सनरोज भी बहुत ही छोटे पॉट में बहुत ही कम मिट्टी में ग्रो हो जाता है और इनको भी बड़े बड़े पॉट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। ये एक सकुलेंट टाइप का फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसकी लीव में काफ़ी मॉइस्चर रहता है जिसके चलते इनको वाटर की नेसेसिटी काफ़ी कम रहती है। ये देखिए ये भी मेरे एक पॉट में मैंने ग्रो करा हुआ है बेबी सनरोज, कितनी अच्छी इसकी जो ग्रोथ है वो चल रही है। तो ये भी बहुत ही आइडियल प्लांट आप छोटे छोटे पॉट में ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक छोटा सा टूटा हुआ कप है जिसमें मैंने रैबिट पन्नी जो है वो मैंने
ग्रो करो। ये भी एक कैक्टस होता है, बहुत ही क्यूट लगता है इन छोटे छोटे क्यूट से प्लांटर में ग्रो करने के लिए। ये भी बहुत ही आइडियल प्लांट है, इसमें बहुत ही थोड़ी मिट्टी की ज़रूरत रहती है और बस सम टाइम में कभी कभी इसमें थोड़ा हल्का हल्का वाटर जो है वो मैं डाल देती हूँ। तो ये पौधे भी सालों साल छोटे छोटे क्यूट से वेस्ट में चलते रहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है कैलेनकोई और ये लगा हुआ है कि छोटे से 2.5 इंच के सेरेमिक पॉट में और ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है। काफ़ी टाइम से ये इसी छोटे से पॉट में लगा हुआ है और बहुत अच्छा भी लगता है, फ्लावरिंग हो या ना हो लेकिन ये सकुलेंट होने की वजह से ये काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉट्स रहते हैं चाहे वेस्ट भी रहते हैं जिनमें कोई भी पौधे की कटिंग आप लगा सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत से पौधे शेयर करे हैं जिनकी छोटी छोटी कटिंग आप इस तरह के छोटे छोटे पॉट में थोड़ी सी मिट्टी डाल के आप ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आप कभी भी कबाड़ को फेंकने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा कि क्या उसका रीयूज़ हो सकता है, ज़्यादा नहीं तो उनमें आप छोटे छोटे पौधों को ग्रो कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को सेव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए इंस्पायरिंग रही होगी और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड।